भाई लोग हमारे साथ हैं आज, इनके साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। भैया का बिजनेस है, बैंगलोर करते हैं। और आप? कहाँ है प्रोड्यूशन इसका? दुकान में मिलेगा। अच्छा, मिलेगा यहाँ तो हर जगह दुकान। तो कावा भी पेड़ पे ही लगता है ना? नहीं, वो तो बनता है, बनाया जाता है। तो वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? आशा है आप अच्छे होंगे। मैं हूँ युवराज और आज मैं जा रहा हूँ पहलगांव टू कटरा। तो ये ट्रिप होने वाला है, रोड ट्रिप होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टेड वीडियो होने वाला है, क्योंकि जिस गाड़ियों से हम, जिस व्यू से निकलेंगे, बहुत ही प्यारा व्यू होने वाला है गाइस। तो ये था हमारा होटल, होटल वाटर व्यू करके था और बिल्कुल लेक के किनारे। और ये देखिए वादियाँ पूरी ऊपर से नो लगी हुई है। यही है पहलगांव, यही रोड है जो चंदनवाड़ी के लिए जाता है, यहीं से अमरनाथ की यात्रा होती है स्टार्ट। तो चलिए चलते हैं इस जर्नी। ये है देखिए पूरा पहलगांव का मार्केट। अब हम टैक्सी स्टैंड की तरफ जा रहे हैं, जहाँ से हमें अनंतनाग के लिए, इस्लामाबाद के लिए डायरेक्ट नहीं शेयरिंग टैक्सी मिलेगा। वहीं से हम निकलेंगे सीधा कटरा के लिए। तो इस जर्नी को मेरा कंप्लीट जो दिखाएंगे हम, आप तैयार रहिएगा, बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टेड वीडियो और नॉलेजेबल वीडियो। चलिए चलते हैं आगे। तो गाइस ये देखिए, ये पूरी वादी है, ये है पहलगांव वादी, चारों तरफ ही स्नो हो जाता है। आप सर्दियों में आइएगा ना, बहुत आनंद आएगा, पूरा वाइट वाइट और वाइट, हर जगह वाइट वाइट मिलेगा। ये देखिए अभी हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, अभी थोड़ी डाउन एरिया में आ गए और ये है पूरा, यहाँ से होता है पहलगांव का मेन मार्केट स्टार्ट। पूरा ये मार्केट है, ड्यू टू इलेक्शन आज मार्केट क्लोज है। एक आधी शॉप आप खुली हुई मिल जाएगी, पूरे मार्केट क्लोज हो रखा है भाई। ये देखिए यहाँ टूरिस्ट का थोड़ा सा जमावड़ा रहता है, इस कारण ही इन्होंने दुकान खोली है। बट आगे अनंतनाग तो बिल्कुल ही बंद होगा मुझे लगता है। ये देखिए ये प्यारी सी चीज़, और यहाँ पर देखिए कपड़े ले सकते हो आप, कुछ भी ले सकते हो, पॉलिथीन ले सकते हो। और ये देखिए ये भी पूरी मार्केट बंद है भाई, क्या कर सकते हैं। अब गाड़ी मिलेगी ना मिलेगी, भैया ने एक से मैंने हाथ दिया था, उन्होंने कहा हम तुम्हें डाउन तक छोड़ देते हैं, चलिएगा। उन्होंने छोड़ दिया पहलगाम, टैक्सी स्टैंड तक पहुँचते हैं, फिर वहाँ से देखते हैं कोई शेयरिंग की व्यवस्था होती है तो फिर सीधा चलेंगे पहलगांव टू अनंतनाग। ये यात्रा होने वाली है पहलगांव टू अनंतनाग। इस ब्लॉग में आपको यहाँ दिखाएंगे, फिर अनंतनाग से आपको मैं दिखाता हूँ सीधा बनिहाल तक के रास्ता। बहुत ही प्यारा व्यू आने वाले हैं। देखिए ये मस्जिद है यहाँ पर, इसको मैंने आपको दिखाया पूरी तरह से स्टार्ट हो गई भाई, कितना प्यारा लग रहा है ना। अभी थोड़ी देर में पहुँचने वाले हैं पहलगांव टैक्सी स्टैंड पर, पहलगांव टैक्सी स्टैंड आने वाला है गाइस। ये देखिए ये है पूरा टैक्सी स्टैंड, CRPF फोर्सेस लगी हुई हैं भाई। और ये देखिए ये सारे लाइन के होटल हैं और आगे लेदर लेक बहुत खूबसूरत है। टैक्सी स्टैंड है और यहाँ से यही है मेन मार्केट, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है पूरा। देखिए आप वादियों के बीच में बसा हुआ प्यारा सा शहर पहलगांव में आपका स्वागत है। ये देखिए पूरी चारों तरफ से बहुत ही अच्छी वैली, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ ये शहर पहलगांव, बहुत ही खूबसूरत है। शाम को तो बहुत ही अच्छा व्यू हो जाता है भाई, बट हम थोड़ा सा जंगल में जाके रुके थे, यहाँ से आउटर था। और देखिए पूरी स्नो लगी हुई है चारों तरफ भाई, ये देखिए हवा में ठंडक है, काफ़ी धूप अच्छी सी निकली हुई है। और आज यहाँ ड्यू टू इलेक्शन गाड़ी थोड़ी कम चल रही है, देखते हैं शेयरिंग बेस अनंतनाग के लिए मिल जाए, वहाँ से हम कटरा के लिए निकलेंगे। चलिए जरा गाइस देखते हैं आपको साइड सीन्स के साथ। गाइस अभी हमने अलविदा दे दिया है पहलगांव को, और देखिए लेदर लेक यहाँ से निकल रहा है रिवर के साइड, और क्या ब्यूटीफुल नज़ारे हैं बादलों के साथ में। बाय बाय पहलगांव, आई लव यू, टेक केयर। बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे होते हैं, लगता है हर सीन को आप कैप्चर कर लें, बट पॉसिबल नहीं है भाई। देखिए ऊपर स्नो लगा हुआ है और सर्दियों में तो बहुत खूबसूरत हो जाता है ये वैली, हर जगह सफेद ही सफेद होता है। हाँ पूरा वाइट, पूरा वाइट,
यहाँ बहुत बर्फ है। अभी अच्छा ओके 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 बहुत अच्छा लगा मिलकर। केवी सुकुल में है, केवी सुकुल के पास। अच्छा अच्छा आप अपनी शॉप का है कि किस चीज़? किराना का। ओके क्या नाम है भैया आपका? गुलाम भाई। गुलाम और आपका? मंजूर भाई। मंजूर भाई ओके थैंक यू। ओके सर भाई गेरा गेरा पानी बहुत है ना पहलगाम में, हर जगह आपको वाटर बॉडीज मिल जाएंगी, हर तरफ झरने टाइप में, बहुत अच्छा है यार। रियल बताऊँ ना, कश्मीर से श्रीनगर से अच्छा मेरे को यहाँ पे अच्छा लगा। व्हाट अ ब्यूटी ऑफ पहलगाम, दिस अमेजिंग, आई लाइक इट, लव यू। आपको नवंबर देखिए जो ये पेड़ है ना, ये अखरोट के पेड़ है यहाँ पे पूरा, और ना लास्ट में था जो उधर से आपका बाग है। अच्छा ये देखिए आप फल, ये सारे सेब है ना? ये सेब क्या बात, छोटे छोटे सेब। ये देखिए भाई कितने प्यारे व्यू है, ये राफ्टिंग पॉइंट है, यहाँ राफ्टिंग है, राफ्टिंग पॉइंट आ गया है, ये राफ्टिंग पॉइंट है। अभी हो नहीं रही ना? हाँ चलता है शायद, पता नहीं इस वक्त चलता है कि नहीं चलता, बट चलता है। हाँ सर कितना खूबसूरत, दिस इज द राफ्टिंग पॉइंट। यहाँ कोई होटल नहीं था, को एक ही बची था वहाँ पर, देहरादून में उसने शादी की डॉक्टर के पास, डॉक्टर के साथ। और जो कावा होता है, कावा कहाँ का सबसे बेस्ट है? शाही कावा कश्मीर, वो कमल का ही लेना है। अच्छा कमल का डब्बा 200 का भी है, 150 का भी है। कमल? हाँ सर शाही कावा। कमल कमल। अच्छा कमल कमल, एक तो कमल कमल नहीं कमल कमल कमल, तो ये में बनते ना वो पापड़ में बनता है, केक के ऐसे निकालते ना। हाँ हाँ करते हैं। अच्छा अच्छा, आपको काजीकुंड में बोलेगा केसर वाला, केसर वाला भी आएगा। अच्छा, वो 50-60 रुपए का एक डिब्बी देगा। हाँ, वो आदिल नहीं होता। अच्छा यहाँ तो कम से कम 1 ग्राम 300 रुपए का पड़ता है, 1 ग्राम आर्जिनल। और जो लेक पे बेचते हैं वो भी लोकल ही है सर? लोकल, खाली अगर अगर लेना होगा दुकान दुकान से, क्योंकि दुकान में तो आपको फोन नंबर भी होता है जी, दुकान में चीज भी होता है, क्योंकि और बार कस्टमर भी आ सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ नहीं रखना दुकान पर, एक ही बार जाएगा फिर। हमको कल श्रीनगर से एक कस्टमर आया है, वो बाहर का था। अच्छा, उसने 6-7 डब्बा लिया है, तो हमको टीन वाला दे दो, उसमें तीन किस्म है, बोतल भी है, टीन भी है, वो भी है, तो खाली टीन का दे दो। उसमें 300 रुपये का, 350-350 रेट था, 300 का ही दिया। तो हमने भी 3 पैकेट लिया था वहाँ से, 100 रुपये का दिया था, मगर वो सब ऐसा ही है, इसलिए ले लिया, वो रिक्वेस्ट कर रहा था आप ले लो। हाँ वो तो करेगा, क्योंकि वो रोजगार के लिए करते हैं, क्या करेगा, वो भी बाहर निकला है, तो यूज तो कर ही सकते हैं ना, यूज कर सकते हैं। ठीक, पूरे जो आप पेड़ दिख रहे हैं सारा पेड़ अखरोट का है, इसी पे अखरोट लगते हैं भाई, पूरी वादी में अखरोट ही अखरोट फैले हुए हैं। ये देखिए व्हाट अ ब्यूटी। अभी कब कौन से महीने में लगता है इनके? अक्टूबर, अक्टूबर में। और तोड़ा कब जाता है? अक्टूबर नवंबर में उतरते हैं। अच्छा उतरता है। हाँ सर अभी थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा आना, अभी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसको छिला भी खुद ही उतरेगा उस पर ही दरख्त पर। अच्छा खाली वो नीचे गिर जाएगा? हाँ जी नीचे खुद खुद गिर जाएगा, जो गिरता है खुद ना। हाँ वो धोना भी नहीं। अच्छा तो बिल्कुल साफ रहती है, साफ रहता है, किसी को वो होता है साफ, उसको निकालना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, ये तो मेहनत के बगैर है। गाइस ये साकुल जगह है जिसमें बजरंगी भाईजान ने सलमान खान ने वो एक कव्वाली गाया था, भर दे झोली या मेरी मोहम्मद दर से जाऊंगा ना मैं खाली, इसी जगह पर शूटिंग हुई है उस गाने की, उस कव्वाली की। वैसे मिस हो गया, मैं ध्यान नहीं दे पाया। आप ये हिल देख रहे हैं ना, इसी पर बजरंगी भाईजान की शूटिंग हुई थी, और उस जगह जो कव्वाली है ना भर दे झोली या मेरी मोहम्मद, वो यही शूटिंग हुई है। ये साकुल करके जगह है, पहलगाम से पहले यहाँ पर यही सलमान खान ने शूट किया था। देखिए बिल्कुल पास में साकुल नदी हमारे साथ बहती हुई है, हर जगह पानी मिल जाएगा भाई, इधर भी है, उधर लेदर है, और इधर साकुल नदी। देखो आपको चारों तरफ सेब के बाग दिख जाएंगे।
इतनी बड़ी रेंज में एप्पल ही लगा हुआ है सार जगह। ये देखिए सेब के बाग में अभी बहुत छोटे छोटे आ रखे हैं, सितंबर अक्टूबर में ये पूरा निकल जाता है। वो ग्रीन देखिए जूसेस, फ्रेश जूस भी यहाँ देख रहे हैं। ये देखिए लगे हुए ना रेड रेड। बहुत है इतने भाई एप्पल के गार्डन है पूरी इस वैली में। आप जहाँ तक जाएंगे अंदर तक पूरे सेब ही सेब मिलेंगे आपको, सेब के ट्रीज, एप्पल ट्रीज। सीयर करके जगह है, सीयर आज इलेक्शन है यहाँ पर, बिल्कुल शांति है। देखिए इस रिवर के बिल्कुल साइड में ना आपको एप्पल गार्डन मिल जाएगा, एप्पल ट्रीज। और ये लेदर लेक कितने प्रेशर से यहाँ से और देखिए बस पूरी रेंज पर आपको स्नो मिल जाएगा। वो पहलगाम है उधर, यहाँ से उसका डिस्टेंस 30 किलोमीटर है और लग रहा है कि 2-3 किलोमीटर है। पहुँच गया अनंतनाग। देखिए पूरे यहाँ मार्केट क्लोज है क्योंकि आज है इलेक्शन, इलेक्शन के कारण यहाँ पूरा मार्केट बंद है। अभी हम जा रहे हैं अनंतनाग रेलवे स्टेशन क्योंकि आज यहाँ से कोई व्हीकल मिली नहीं, डायरेक्ट गाड़ियाँ भी नहीं हैं यहाँ अवेलेबल, ये सारे लोकल्स खड़े हैं। तो मैं अभी जाऊँगा अनंतनाग से बनिहाल, तो बनिहाल से आगे हम चलेंगे कटरा के लिए। चलिए अभी ट्रेन जर्नी फिर दिखाने वाला हूँ आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारों के साथ। चलते हैं सीधा अनंतनाग रेलवे स्टेशन। सारी यहाँ पर दुकान बंद है भाई, पूरा मार्केट ही क्लोज है आज।